सरकार तो अब जो सही काम करने वाले हैं उनको प्रताड़ित करती ही है, और अपराधियों का तांडव पता नहीं सरकार का ये मनसा है या अपराधी उस प्रवृत्ति के हैं। अब शिक्षा जगत में जो गुरु वंदनीय होते हैं, पूजनीय होते हैं, जो गुरु बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, जिस गुरु की राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका होती है, वैसे ये कॉलेज में घुस करके गोली मारने की हो रही है, सड़कों पे गोली चल रही है, कॉलेज में गोली चल रही है, न्यायालय परिसर में गोली चल रही है, अस्पताल में लोग मर रहे हैं, किस काम में लगे हुए हैं? सरकार का क्या दायित्व तो है? जनता को कितना मुआइएगा? थोड़ा सा भी तो रहम करिए कि जनता आपको चुनी है, जनता आपको वोट दी है। एक तो आप अपना उलट पुलट करके सरकार बनाते हैं, खैर किसी तरह बना लेते हैं, कोई भी परिस्थिति है, सरकार जिसकी भी हो, लेकिन जनता को तो सुरक्षा चाहिए। और कॉलेज में गोली चले, अब कॉलेज में गोली चले थे, बैंक में गोली चले थे, अस्पताल में गोली चले थे, कोर्ट में गोली चले थे, कि अब कॉलेज के वैसे प्रोफेसर जो साइंस के प्रोफेसर हैं, साइंस के प्रोफेसर का हम समझते हैं उनकी जो शिक्षा दीक्षा होती है उसमें राजनीति का भी कोई रुचि नहीं होता है। मतलब कि आप अध्यापकों को प्राध्यापकों को मरवा करके इस शासन में शिक्षा को तो चौपट कर ही दिए हैं, लेकिन जो भी छात्र पढ़ रहे हैं उसको भी आप उसके भी भविष्य को अंधकार करना चाहते हैं। एक जगह रहे तब ना, कॉलेज में गोली, अस्पताल में गोली, सड़क पर गोली, बाइक रॉबरी, अब पुलिस तोहर FIR करे ला ना तैयार हो, बेचारा गांव के गरीब आदमी के अपराधी सब मारे छे, दबंग सब मारे छे, वहाँ तोरा FIR करे ला पैरवी के जरूरत हो, आ लगातार तोहर जो है से पुलिस घूम रहा हो, आ सब तोरा लागल हो एस्कॉर्टिंग में, तोहर डेली प्रोग्राम हो तो आप चुनाव तक ले, आचार संहिता तक ले, सबके एस्कॉर्टिंग में लगा दा, आ सब जनता के मरवा दो, बिहार के जनता के।